इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का प्रदेश सरकार पर हमला, हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर अनुराग ढांडा ने सवाल उठाए हैं। हरियाणा में आज हर वर्ग बहुत परेशान है, अनुराग ढांडा ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अलग अलग विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, अनुराग ढांडा ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा बन गया धरना प्रदेश, अनुराग ढांडा ने कहा है। फतेहाबाद के आसपास लोगों को फसल लगाने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने कहा। कई कई फीट रेता चढ़ा हुआ है, किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों की परेशानी को उठाते अनुराग ढांडा नजर आए। रेता हटाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, अनुराग ढांडा ने कहा। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का प्रदेश सरकार पर यह हमला जो है वो सामने आया है। बड़ी जानकारी, हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर अनुराग ढांडा ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मैं कल ही देख रहा था एक वीडियो, बड़ा वायरल है आजकल हरियाणा में। रेता चढ़ा हुआ है खेतों में, कई कई फुट रेता चढ़ा हुआ है फतेहाबाद, सिरसा, इस तरफ के पूरे इलाके में। और लोग कह रहे हैं कि कैसे इसमें फसल लगाएं, कैसे किसान गुजारा करे। किसी किसान के बस की बात नहीं है वो सारा रेता वहां से हटा दे, उसके लिए सरकारी मदद की जरूरत है। इसलिए हरियाणा में आज के दिन में हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। अगर आप ये कहें कि ये पूरा प्रदेश हड़ताल प्रदेश बन चुका है तो गलत नहीं होगा। हजारों की तादाद में हड़ताल, किसी न किसी मुद्दे पर धरने, प्रदर्शन, धरना प्रदेश बना दिया। विकलांग अपनी समस्या